हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परमाणु नगरी में मोदी और वसुंधरा पर गरजे राहुल, कहा देश की जनता का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोधपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब चुनावी माहौल को देखते हुए आक्रामक हो गए हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा को आड़े हाथ ले रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अब उनके निशाने पर आ चुकी हैं। सोमवार को प्रदेश के दौरे के दौरान वे दोपहर में परमाणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी, वसुंधरा और भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उन्हें मुगालता है कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के दम पर यहाँ तक नहीं पहुँचा, सभी की मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचा है। जबकि प्रधानमंत्री की सोच यह है कि उनसे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बहाए खून पसीने का प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे कि देश के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और किसानों को उनकी उपज की पूरा दाम दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने काला धन के खिलाफ लड़ाई के नाम पर आम जनता की जेब से पैसे निकालकर अपने चहेते कुछ उद्यमियों को दे दिया। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चौकीदार बनूंगा, लेकिन जनता का पैसा लेकर कई लोग देश छोड़कर भाग निकले। प्रधानमंत्री उन्हें गिरफ्तार कर लाने की बात कभी नहीं कहते। राहुल ने आरोप लगाया कि देश के चुनिंदा उद्यमियों को 3.5 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। यदि इसमें से कुछ हिस्सा युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए प्रदान किया जाता तो देश आगे बढ़ने के साथ बेरोजगार युवाओं को काम मिल जाता। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।